ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रेस क्लब सोलन की ओर से निर्मल ग्राम पंचायत नौणी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समरोड में बहुउद्देश्य निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान महर्षि मार्केंडेश्वर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सुल्तानपुर सोलन से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। आपको बता दें कि शिविर में नौणी व इसकी आसपास के कई पंचायतों के करीब 450 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर निशुल्क दवाइयां भी प्राप्त की। प्रेस क्लब सोलन की ओर से निर्मल ग्राम पंचायत नौणी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समरोड में बहुउद्देश्य निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान महर्षि मार्केंडेश्वर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सुल्तानपुर सोलन से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। आपको बता दें कि शिविर में नौणी व इसकी आसपास की कई पंचायतों के करीब 450 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर निःशुल्क दवाइयां प्राप्त की। शिविर में मेडिसिन विभाग से डॉक्टर नीरज सोनी, स्त्री आरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशरफ और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता और डॉक्टर राजन शर्मा ने मरीजों के स्वास्थ्य की जाँच की। इससे पूर्व शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर रजीम सेजल ने अपने संबोधन में प्रेस क्लब सोलन की ओर से लगातार किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। वहीं मंत्री ने प्रेस क्लब सोलन को 50,000 की राशि व ग्राम पंचायत नौणी को विकास कार्य हेतु 2,00,000 की राशि देने की घोषणा की। वहीं डॉक्टर राजीव सेजल ने प्रेस क्लब सोलन की सराहना करते हुए कहा कि प्रेस क्लब सोलन को मैं बधाई देता हूं कि पत्रकारिता के कार्य से हटकर ये जो चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है ये काफी सराहनीय कार्य है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी प्रेस क्लब सोलन इसी तरह के सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाएगा। मैं प्रेस क्लब सोलन को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अपना पत्रकारिता के पेशे से हट करके, और पत्रकारिता का पेशा भी जो है वो बहुत गहमा गहमी से भरा हुआ और तनाव से भरा हुआ पेशा है, और आज उसको एक तरफ रख करके सारे तनाव को, सारी गहमा गहमी को एक बहुत ही बढ़िया चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन जो है यहाँ प्रेस क्लब सोलन ने किया है। और मैं देख रहा हूँ कि इस चिकित्सा जांच शिविर में जो हमारा मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ से अलग अलग विभागों के अध्यक्ष आकर के न्यूरो वाले, मेडिसिन वाले, ऑर्थो वाले, गायनेकोलॉजिस्ट, यानी सब विधाओं के विशेषज्ञ जो हैं आज यहाँ उपस्थित होकर के स्थानीय लोगों को, काफ़ी आज रश है यहाँ, काफ़ी दूर दूर से लोग जो हैं अपनी जाँच करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनकी जाँच कर रहे हैं, उनको परामर्श दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि दवाइयों की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर हुई होगी। तो प्रेस क्लब इसके लिए बहुत बधाई का पात्र है। और बात ये बिल्कुल ठीक है कि हम कोई भी काम करते हों, हम किसी भी विभाग से संबंध रखते हों, चाहे हम कृषक हों, चाहे हम अन्य किसी और क्षेत्र में काम करते हों, लेकिन हम सबका जो उद्देश्य है और सबका उद्देश्य रहना चाहिए कि समाज के लिए, जब भी समाज को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम इस समाज के लिए खड़े हो जाएँ। और मुझे लगता है इसी भावना से प्रेरित होकर के प्रेस क्लब सोलन ने जो है इस आयोजन को यहाँ पर आज किया है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एसटूडे के साथ। नमस्कार।